काली स्किन को मिनटों में गोरा करने के लिए एक ऐसी रेमेडी मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट अप कर देगी, स्किन बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगी, ग्लो करेगी स्किन आपकी। और स्किन के ऊपर जितनी भी सनटैन है, जूतों के निशान है पाँव पे या एल्बो पे निशान है या काली गर्दन है, वो हमेशा के लिए सनटैन आपका रिमूव हो जाएगा, स्किन आपकी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना। और अगर चैनल पर नए हैं तो kindly सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी और वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए रेमेडी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं टमाटो का पल्प, फ्रेश हमने टमाटो का पल्प लिया। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा और अच्छे से इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स करेंगे। आपके घर पर कोई भी इवेंट है, शादी आ रही है या किसी पार्टी पर आपने जाना है, तो ये फ़ौरन से आप 5 मिनट पहले अगर इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे पार्लर वाले रिजल्ट्स घर पे ही मिल जाएंगे। दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें एक आलू चाहिए, इसको अच्छे से वॉश करके कट कर लेना है। इसके अंदर हम फोक की मदद से होल बनाएंगे ताकि जो हमने पेस्ट बनाया है अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो सके। तो अच्छे से आपने अपने हैंड पे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे जो है मेहंदी के निशान हैं, क्योंकि आधी मेहंदी उतर चुकी है, आधी रह रही है, तो मेहंदी का कलर बाकी रह गया है। तो अच्छे से आप देखिएगा कि लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, इससे आपके मेहंदी के निशान तक उतर जाते हैं, तो सन टैन क्या चीज़ है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो अच्छे से आपने अप्लाई कर लेना है, अपने फेस पर अप्लाई करें, हैंड पे, पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं आप, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो अच्छे से अप्लाई कर लिया, 5 मिनट के लिए मसाज किया। अब मैं आपको वॉश करके आफ्टर रिजल्ट दिखाती हूँ। तो वॉश मैंने कर लिया, आप देख सकते हैं कि मेरा हैंड कितना ज़्यादा फेयर लग रहा है, नीट लग रहा है, क्लीन लग रहा है। इसी तरह आपकी भी स्किन लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।